आज किस कलर की गाड़ी मिल रही है भाई। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है जो कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कौन से कलर की गाड़ी आ रही है। सो भाई गाड़ी के पेपर्स हमें मिल गए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो सो बाजी माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। हमारा ड्राइवर बैठ गया गाड़ी में। सो कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी कब आएगी। सो फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि अगला ब्लॉग आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। वैसे यार ये थंबनेल का बड़ा सीन ख़राब है, पहले से पता चल जाता है कि भाई आज के ब्लॉग में क्या होगा। सही है। सो भाई जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारी गाड़ी कब आएगी, और आप लोगों में से इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई गाड़ी कब आएगी। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन आवर वे। और हम लोग अभी जा रहे हैं ARY के ऑफिस, उन्होंने हमें कॉल की है कि आप आइए, आपकी गाड़ी आ गई है और आके इसको रिसीव कीजिए। सो भाई आज हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए और फिलहाल अभी अपनी गाड़ी में है और वापसी में अपनी दूसरी गाड़ी भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पहुँच के क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करते हैं और फिर हमें आज किस कलर की गाड़ी मिल रही है भाई। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है जो कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कौन से कलर की गाड़ी आ रही है। सो आप लोग क्या कहते हैं, क्या कलर होना चाहिए? अभी हम लोग पूरी फैमिली में ना हम लोग सब यही सोच रहे हैं कि जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार हमें सिल्वर लेनी है, वाइट लेनी है, ब्लैक लेनी है। It's also a surprise. So, बस अब ये एक लास्ट सरप्राइज रहेगा कि भाई हमें किस कलर की गाड़ी मिलेगी। सही है। सो चलते हैं फिर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सही है। सो भाई हमारा ड्राइवर हमारे साथ है, आज हमने बाजी को ऑफ करवाया है जस्ट टू पिक आवर कार। सो बाजी ने आज छुट्टी की है हमारे लिए। भाई थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। क्या आपने हमारे लिए छुट्टी की है? वैसे तो आप कभी करती नहीं, लेकिन चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपना कीमती मैडम ने भाई। और बस अब वापसी में गाड़ी जो है वो फिर बाजी चलाएंगे, हमारी वो वाली गाड़ी। सही है। और हमारे पप्पा साहब भी हैं हमारे साथ। सो पप्पा कैसा लग रहा है आपको, गाड़ी आ गई आपकी? बहुत एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। yeah. चले ठीक है फिर। सो भाई आज हम मम्मी को भी अपने साथ लेकर आए। मैंने कहा अम्मी आज तो आपका जाना बनता है, आज आप घर पे नहीं रहेंगे, आज आप हमारे साथ अच्छा, चले। और बस ये चलो छोड़ो यार मैं नहीं जाती, फिर चलो नहीं चलो 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 मैं भी चलती हूँ। हाँ ना और क्या। सो भाई मैंने कहा अम्मी आज आप चलेंगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ना चाहें। सही है। सो बस अम्मी पापा भी हमारे साथ है, मैं और बाजी हैं और बस चल के आप वहीं चल के आपसे मिलते हैं। ठीक है। सो भाई अभी हम आए हैं दिल पसंद। सही है। यहाँ से लेंगे मिठाई। भाई जब खुशी का मौका हो और आप मिठाई ना लें ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सो बस अभी हम लोग यहाँ से लेंगे मिठाई और फिर मिठाई लेके चलते हैं। ठीक है। और यहाँ की मिठाई भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कैसी होती है। सो देखते हैं कौन सी मिठाई लें। सो भाई हम लोग जो हैं वो गुलाब जामुन ले रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। गुलाब जामुन इज़ बेस्ट। चले भाई मिठाई हम लोगों ने ले ली, फटाफट निकलते हैं। सो भाई हम लोग जो है वो ARY के ऑफिस पहुंच गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली उनके कुछ रूल्स हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। सो बस अभी जो है हम लोगों ने वहाँ से इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको चालान जमा कराना होता है तो वो अमाउंट हम जमा कराने के लिए जा रहे हैं इस वक्त नेशनल बैंक। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी अपडेट कर देते हैं। सो भाई गाड़ी की जो भी अमाउंट होती है उसका 20% आपको पे करना होता है। सही है। इफ़ यू आर फाइलर, एंड अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो फिर आपको 35% पे करना होता है। सो गाड़ी की जो इस वक्त करंट वैल्यू है उसका 20% हम लोग जो है वो पे करेंगे। सही है गाइस। सो अभी हम लोग चल रहे हैं नेशनल बैंक, चले फिर चलते हैं। चले भाई चालान वगैरह फिल करा के आ गए, अब दोबारा से ARY के ऑफिस आए और बस यहाँ से आप अपनी करते हैं गाड़ी कलेक्ट। सही है गाइस। तो बस फिर देखते हैं गाड़ी किस कलर की आ जाए फिर। नहीं भाई अब जरा मिठाई भी गाड़ी से निकाल लेते हैं। ठीक है आ जाएँ फिर। सो भाई गाड़ी के पेपर्स हमें मिल गए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आ जाएगी, तो फिर आपको गाड़ी दिखा दें किस कलर की है। सो भाई गाड़ी के सारे पेपर्स वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं, गाड़ी बाहर निकलवा ली है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। सो भाई पहले लेके आएंगे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, देन फिर ड्राइव करके घर चलते हैं। सही है गाइस। सो भाई फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और ये खड़ी हुई है आपके सामने और मैडम हमारी ड्राइवर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई है।
सो बाजी माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो भाई, खैर मुबारक। हमारा ड्राइवर बैठ गया गाड़ी में। सो कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बाजी को। एग्जैक्टली यार, न्यू कार और फिर उसकी बाजी, आपकी भी तो न्यू गाड़ी है ना, क्या टेंशन है। और वैसे ये गाड़ी तो थोड़ी सी नीची है ना, आपकी तो थोड़ी ऊंची है वैगन आर। सो आप देखेंगे अब इसकी ड्राइव कैसी आती है, स्मूथ ड्राइव है कि नहीं है। बैठे। सो भाई फाइनली न्यू गाड़ी में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं घर के लिए, और बाजी जो ड्राइव कर रही है और मैं बाजी को सपोर्ट पे बैठी हुई बाजी की, कि भाई आगे जो है मम्मी पापा जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में और हम लोग जो है वो नई गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। तो चलें फिर चलते हैं। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ी की ड्राइव दे रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनली वो दिन आ गया कि जब हमें गाड़ी मिलने की न्यूज़ मिली थी, और आज फाइनली अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। और आगे अल्लाह करे हमारा हर सफ़र गाड़ी में बहुत मुबारक हो और हमें ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नसीब हो, खुशियों वाली हो। सो मेन चीज़ तो ये होती है ना कि आपको कोई चीज़ मिली है तो वो आपको नसीब भी हो और खुशियों के साथ नसीब हो, मेन चीज़ ये होती है। सो बस आगे जो है मम्मी पापा जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में और हम इस गाड़ी में हैं, और बाजी जो है वो ड्राइव कर रही है, तो बाजी मज़ा आ रहा है, आपकी गाड़ी कब आएगी कब आएगी। सो फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और आप लोग के साथ शेयर भी कर दी है हमने। सो अब तो आप लोग को यकीन आ गया ना कि भाई KRY वाले तो ही जो है वो झूठ नहीं बोल रहे, वो कुछ भी ऐसा नहीं कहते। और अभी हम लोग इस वक्त जो है वो अंडर पास के अंदर से गुजर रहे हैं, सो इसलिए अंधेरा हो गया। और फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं, सो भाई इसलिए अंधेरा हो गया तो फिर अंडर पास से हम बाहर निकल रहे थे। सो भाई देखें गाड़ी के पूरे नए कवर्स हैं, सारे प्लास्टिक तक चढ़ा हुआ है, मैट्स सो टोटली न्यू चीज़ें हैं। और गाड़ी पर बस ये देखें काफ़ी ज़्यादा मट्टी पड़ी हुई है, सो गाड़ी जो है वो अभी वॉश करवाएंगे, साफ वाफ करवाएंगे इसको, ठीक है। देखने आप लोग हर जगह मट्टी पड़ी है इसमें। सो भाई फाइनली घर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गाड़ी को भी घर लेकर आ गए हैं, और बस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा प्रोसेस होता है, और पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो पेपर वर्क में आपको सारी चीज़ें रिटर्न में देते हैं, पूरी फाइल वगैरह जो भी सारा रेडी करना होता है। सो इन तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और सेकेंड चीज़ ये कि भाई गाड़ी हमारी जो है वो वाइट कलर की है, सही है, और बस अब जो है वो गाड़ी का जैसा वॉश वगैरह करवाएंगे, उसको शोरूम पे लेके जाएंगे, उसके जैसे वॉशिंग वगैरह करवाते हैं, उसको बिल्कुल अप टू डेट करवाते हैं, और फिर उसके बाद उसका लुक आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, सही है। और बस फिर इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एंड, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और उम्मीद है कि मेरे इस व्लॉग ने आप सबके सवालों का जवाब दे दिया होगा। और बस आप सब हम सबको दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि ये गाड़ी हम सब के लिए बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला हमें नसीब करे चलाना और हमारा हर सफ़र इसमें खुशियों वाला हो, आमीन आमीन आमीन। तो बस फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।